हाय एवरीवन, करेले देख के आप समझ गए होंगे कि क्या रेसिपी बनने वाली है। आज बनेंगे कीमा करेले। उसके लिए मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं और इनको मैं छील के और काट के जो है इनको नमक लगा के आधे घंटे के लिए रखूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। देखो, मैंने करेले जो हैं पील ऑफ कर लिए हैं और इनको बीच में से ऐसे आधा आधा कर लिया है और मैं अब इनको एक साइज में ऐसे चॉप कर लूँगी और नमक लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए इनको रख दूँगी। अच्छे से ये हो जाएंगे, तब तक मैं तकरीबन 250 ग्राम प्याज महीन काट लूँगी, फिर मैं आपको इसके रेसिपी दिखाती हूँ। देखिए, करेले ये कट गए हैं सब एक नाप के और ये प्याज भी चॉप हो गई है, फाइन चॉप करी है मैंने। मैं इसको नमक लगा कर रख दूंगी। देखिए, मैंने करेले जो है वो नमक में लगा के रख दिए थे तकरीबन आधा घंटा, अब मैंने उसे चार पानी से खूब धो लिया है और धो के निचोड़ लिया है। इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया है, उसमें मैं इसको तल लूँगी। तेल मैंने ज़्यादा इस बार इसलिए लिया है कि करेले अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। अभी मैं करेले तल के और ये तेल मैं निकाल दूँगी। ये मैंने ज़्यादा इसलिए लिया कि करेले क्रिस्प हो जाए। देखिए, अभी अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और क्रिस्प भी हो गए हैं। अब इसी पॉइंट पर मैं इनको निकाल दूँगी कढ़ाई में से और तेल आधा कर दूँगी, तकरीबन आधा तेल निकाल दूँगी इसको और फिर जो है प्याज डाल के आपको दिखाऊंगी। तेल है उसमें मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डालूँगी। चार पांच लौंगे हैं, चार पांच काली मिर्चें हैं, एक बड़ी इलायची है, दो तेज़पत्ते हैं और ये डाल के मैंने जो प्याज चॉप करी है वो डाल दूँगी इसमें। तकरीबन 250 ग्राम ये प्याज है और अब जब ये ब्राउन होगी तब इसमें कीमा डालेंगे। ये हल्की से ट्रांसपेरेंट भी हो गई और सॉफ्ट भी हो गई, बस इसी पॉइंट पर मैं इसमें ये 250 ग्राम कीमा डाल दूँगी इसके अंदर, अच्छे से चला लेंगे। ये बहुत मज़े का बनता है कीमा करेले और आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी मेरी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इसके अंदर थोड़ा दो चम्मच लहसुन अदरक डाल दूँगी। थोड़ा सा लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाएगा, फिर इसमें सूखे मसाले डालूंगी। देखिए, करेले पड़ेंगे इसलिए सौंफ पड़ना बहुत ज़रूरी है, तो दो टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है, आधा टीस्पून हल्दी है, एक टीस्पून नमक है और आधा टीस्पून मिर्च है। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और सबको अच्छे से मिला के और ढक के इतनी देर पकाऊँगी जिससे ना कीमा गल जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए, मेरा कीमा अब अच्छे से भून गया और इस स्टेज पर मैं अब इसके अंदर वो तलेमल करेले शामिल कर दूँगी और तीन चार ये हरी मिर्चें भी साबुत ले ली, ये भी इसमें डाल दूँगी और ज़रा सा पानी डालूँगी ताकि जो है सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए और सबकी खुशबू आ जाए और पाँच मिनट और पका के सब मैं मिक्स कर दूँगी। कीमा करेले तैयार हो गए हैं, अब मैं इसको फ्लेम को बंद करके और इसको डोंगे में निकाल लूँगी।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा ओके बाय। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना भी डाल दिया है गार्निशिंग के लिए।